हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ ही लेता है ये क्वेश्चन आपके सेवेंथ एंड टेंथ मार्क में दोनों में पूछता है तो आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है किस यूनिट से कितना क्वेश्चन कैसे आता है हमको क्या क्या कितना कितना लिखना है तो गाइज फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वाट आर एरर ये तो गाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट हर ईयर में पूछ ही लेता है व्हाट आर एरर क्लासिफाई देम आप एरर लिखेंगे एंड उसका क्लासिफाई करेंगे देन डिस्क्राइब मेथड फॉर मिनिमाइज एरर एंड उसके उसको एरर के मेथड को कैसे मिनिमाइज करेंगे वो आपको बता देना है एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है व्हाट इज लिमिट टेस्ट डिस्क्राइब लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड लिमिट टेस्ट बताना है एंड लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को डिस्क्राइब कर देना है व्हाट इज नॉर्मलिटी ये गाइस टू मार्क्स में पूछता है नॉर्मलिटी क्वेश्चन फोर्थ क्या है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सल्यूशन दोनों में डिफरेंस बताना है फिफ्थ हमारा क्या है डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रोसीजन ये भी गाइस टू मार्क्स में पूछता है एकजन में डिफरेंस क्या है अब हम आते हैं अपने यूनिट सेकेंड पे राइट थ्योरी ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन ये तो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमेशा पूछता है एसिड बेस टाइट्रेशन की थ्योरी क्या है एंड उसके बाद टेन मार्क्स में ये तो पूछता है राइट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन सॉरी व्हाट इज नॉन एक्वस टाइट्रेशन डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन नॉन एक्वस टाइट्रेशन लिखना है एंड उसके फोर टाइप के सॉल्वेंट होते हैं उसको भी आपको डिस्क्राइब करना है एंड ये टेन मार्क्स का पूछता है राइट ए सार्ट नोट ऑन थ्यूरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर एसिड बेस इंडिकेटर लाइक ए इंडिकेटर को आपको एक शार्ट नोट लिखना है क्वेश्चन फोर्थ का है इस्टीमेशन ऑफ सोडियम बेंजोइट सोडियम बेंजोइट का पूरा प्रोसीडर वगैरह सब आपको लिख देना है ये अक्सर सेवन मार्क्स नहीं पूछते हैं हम अपने आते हैं यूनिट थर्ड पे यूनिट थर्ड से क्या क्या आता है राइट ए नोट ऑन मोर्स मेथड ऑफ थड आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट हमेशा आता है इन ब्रीफ ये भी आपका इम्पॉर्टेंट ही है मास्किंग एंड डी मास्किंग एजेंट लिखना है आपको वाट आर वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्री एनालिसिस ग्रेविमेट्री एनालिसिस में कितने स्टेप इन्वॉल्व हुए हैं वो आपको लिख देना है एंड नेक्स्ट आपका क्या है डिस्कस द बेसिक प्रिंसिपल मेथड एंड अप्लीकेशन ऑफ डाइजोटाइजेशन टाइट्रेशन डाई टाइट्रेशन का प्रिंसिपल मेथड एंड अप्लीकेशन उसका गाइस सब लिखना है ये टेन मार्क्स में पूछता है जब आप प्रिंसिपल मेथड एंड अप्लीकेशन सब लिख के आएंगे तब आपका जो है टेन मार्क्स गेन होगा डिस्क्राइब द ऐसे आप कैल्शियम ग्लूकानेट बाई कॉम्प्लेक्सोमेट्री मेथड कॉम्प्लेक्सोमेट्री मेथड का यूज करके कैल्शियम ग्लूकानेट का हमको ऐसे बताना है ये सेवन मार्क्स में पूछता है यूनिट फोर में हम आते हैं राइट ए वायरियस टाइप ऑफ इंडिकेटर यूज इन रिडॉक्स टाइट्रेशन रिडॉक्स टाइट्रेशन में वायरियस इंडिकेटर जो यूज होते हैं हमको वो बता देना है राइट ए शार्ट नोट ऑन डाइक्रोमेट्री डाइक्रोमेट्रिक पर एक शार्ट नोट लिखना है

हम बात करेंगे इसमें जितना क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन आपको ये टेन मार्क्स में पूछता है और अगर आप टेन मार्क वाला तैयार कर लेंगे तो टू मार्क्स में तैयार ही हो जाएगा राइट ए नोट ऑन कंडक्टर मेट्री टाइट्रेशन विद दियर कर्व्स ये गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडक्टर मेट्री टाइट्रेशन का लिखना उसके कर्व के साथ राइट ए साठ नोट ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सिल्वर क्लोराइल इलेक्ट्रोड एंड कैलोमेल इलेक्ट्रोड ये भी टेन ही मार्क्स आप पूछता है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोलरोग्राफी एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ड्रापिंग मरकरी इलेक्ट्रोड एंड रोटेटिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ये भी टेन मार्क्स में पूछेगा पोलरोग्राफी क्या है उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग ऑफ ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड या तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग आ जाता है या तो रोटेटिंग प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड का अगर एक आया तो सेवन मार्क में आएगा दोनों अगर पूछेगा तो टेन मार्क्स वो आपको लिख के आना ही आना है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल